तो हेलो दोस्तों, ये चैलेंज मुझे दिया है वाइटी मैनी गेमर्स ने। उनका कहना है भाई 30 क्रीपर्स को मारो और मेरे पास होगा एक वुडन एक्स और 10 आलू। सो अगर तुमने अभी तक एमएनजी शॉट्स को एक्सेस नहीं किया, क्यों नहीं किया? वेट किसका कर रहे हो? एंड पहला क्रीपर, इसको तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, वैसे ये फट ना जाए। फटेगा तो ये काउंट नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको मारने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करूंगा। ओह पहला क्रीपर एंड क्रीपर नंबर 2। वैसे तुम लोग देखते हो मेरे पास कितने सारे एक्स हैं, क्योंकि केवल 2 क्रीपर को मारने के बाद ये एक्स खत्म हो जाती है, पता नहीं क्यों। दूसरा क्रीपर भी मर चुका है एंड दिस इज अ क्रीपर नंबर 3। सो इसको मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट ये इधर उधर भाग रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी। सीधा हो भाई सीधा। अरे ये ऐसे ऐसे भागेगा तो कैसे मार खाएगा ये मेरे से, ये कहीं मुझे ही ना मार दे। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्रीपर नंबर 3 भी गया एंड सो एक्स थोड़ी सी रिपेयर कर लेते हैं। एंड क्रीपर नंबर 4, इसको तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, नहीं ये मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ये दूर थोड़ा दूर। ओ भाई केवल एक शॉट का बचा दिया, तो कोई बात नहीं इसको मार के देखते हैं। अरे जाओ आओ आओ, मरकाओ मरकाओ, फटना नहीं फटना नहीं, बिल्कुल से फटना नहीं। फट गया तो बहुत मारूंगा, ऐसे फट जाएगा तो कहाँ से मारूंगा, लेकिन हाँ फटना ही फटना ही। ओहो चौथा क्रीपर भी गया एंड क्रीपर नंबर 5, ये तो फट गया आते आते। एंड क्रीपर नंबर 6, सॉरी 5वां ये क्योंकि वो फट गया था। एंड इसको तो मैं फाड़ूंगा। एंड आखिरी शॉट, नहीं फटना नहीं, आखिरी शॉट का बचा है, नहीं आखिरी शॉट नहीं था, अब आखिरी शॉट होगा, फटना नहीं। ओहो गया, क्रीपर 5 मार चुके हैं, क्या बात है। एंड छठा क्रीपर मेरे आंखों के सामने, इसको तो मैं फटने नहीं दूंगा। अगर ये फटा, अगर तू फटा तो सोच लेना, नहीं फटा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, नहीं फटे तो। एंड क्रीपर नंबर 7, ये फट गया, इसको बोलना चाहिए था अगर तू फटा, अगर तू फटा तो मैंने पूरी क्रीपर की खानदान खत्म कर देना। नहीं फटना नहीं फटना नहीं, चलो ये भी नहीं फटा। एंड क्रीपर नंबर 8, ये फट गया, मतलब जिसको ना बोलो वही फट जाते हैं। चलो तुमने फटना, फटना बिल्कुल नहीं। एंड आखिरी शॉट लग जा। ओहो ये मारा, ये आखिरी, ये बात 8 गए, ये 9वां। आजा 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 आजा, ओ फट फट गया 9वां। एंड क्या लगता है तुम्हें, ये मेरा 9वां शिकार होगा? हाँ ये मेरा 9वां शिकार है, चलो कोई बात नहीं। एंड ये रहा 10वां, इसको मार दो फिर दशक पूरा करूंगा। ओहो दशक, एंड मैंने 10 क्रीपर मार दिए, अब केवल 20 मारने हैं। सो मैं काम करता हूँ, जल्दी जल्दी क्रीपर्स को मारता हूँ। ये मर गया 11वां एंड 12वां क्रीपर आ रहा है, तू दग गया, कोई बात नहीं। ये रहा 12वां हमारा, 12वां क्रीपर, अब तो तू मरेगा मरेगा भाई मरेगा। एंड 12, 13वां क्रीपर, इसके साथ क्या होगा, क्या होगा तुम्हारे साथ, यही होगा जो सबके साथ हो रहा अभी तक। एंड 14वां क्रीपर, इसको दगने तो नहीं दूंगा। सो 14 मर गए। ये 15वां, दगना नहीं कतई नहीं कतई नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं। 15 एंड 16वां, फटना नहीं, फटा तो फटा, मेरे को लेके फटा, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। ये हमारा 16वां, देखते हैं क्या होगा। एंड देख रहे हो तुम लोग, एक्स भी सही टाइम पे गई है। एंड ये 17th क्रीपर, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो नहीं लगा था ये होगा, बट कोई बात नहीं, 17th क्रीपर ये हो गया। 17 क्रीपर हो गए और मेरे पास क्रीपर्स खत्म हो गए, सो मुझे क्रिएटिव से दोबारा क्रीपर लाने पड़ेंगे। सो मैं क्रिएटिव से क्रीपर आ चुका और मेरे पास केवल 3 आलू हैं। एंड 17 गए, 18 हो चुके हैं, 19, 20, 21, 22, क्या बात है, ये 23वां गया, 24वां गया, 25वां ये तो मरेगा। सो 25 क्रीपर मर चुके हैं, वी आर सो क्लोज टू कंप्लीट 30 क्रीपर। 27 क्रीपर, 28वां क्रीपर भी गया, 29वां क्रीपर एंड 30वां कंप्लीट। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैं गिनती थोड़ी सी भूल गया था इसलिए मैंने ज़्यादा मार दिए, सो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब मैं 30 क्रीपर को एक साथ मारूंगा, तो कैसे, ऐसे एंड कंप्लीट 30 क्रीपर्स मर गए। सो तुम्हें कैसा लगा? अगर तुम लोग भी ऐसे ही अपने कंटेंट चाहिए तो कमेंट करो जल्दी से। सो बाय।